दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गिव ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल है मंडे 26 तारीख, आज क्रिसमस हो गया। फिलहाल क्रिसमस की तो छुट्टी नहीं मिल पाई आज संडे आने के कारण, तो मार्केट कल खुलेगा तो देखेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अच्छा खासा फॉल आया है पिछले हफ्ते में, कंटिन्यू 3 दिन यहाँ पे देख सकते हैं। डेली कैंडल जो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल में देख सकते हैं बड़े बड़े रेड कैंडल बने हैं कंटिन्यूसली 3 दिन तक। तो कंटिन्यूसली पूरा हफ्ता ये मार्केट गिरा है पिछला, तो अब होगा क्या, तो यही डिस्कस करने के लिए आए हैं। अब कैसा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, कुछ कुछ लोग क्या कर लेंगे कि लोगों को लगेगा कोरोना आ गया फिर से वापस गिर सकता है। ये जो हफ्ता भर गिरा है और कंटिन्यूस हो सकता है, 41,000 तक आ सकता है, 41,000 के भी नीचे जा सकता है। तो ऐसे बहुत से पैनिक सेलिंग आने के कारण, ये जो कोविड का न्यूज़ आया था उसी के कारण जो है वो ये मार्केट इतना गिरा है। तो अब आगे गिरेगा नहीं गिरेगा ये हम कौन होते हैं बताने वाले, ये कौन होते हैं हम तय करने वाले। तो ऐसे पैनिक सीनारियों में हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरे हफ्ते के लिए, अब आगे हफ्ते के लिए भी गिरेगा या ऐसा बोल के पुट लेके जाएंगे या फिर अगले हफ्ते पुट ही खरीदना है, ऐसा भी कुछ नहीं करना है। तो करना क्या होता है, व्यू क्या बनता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ मार्केट जो है अभी हफ्ता भर गिरा है, तो ये हफ्ता क्या करना चाहिए मार्केट ने, हम सीधा सीधा सिंपल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो इसमें अब मुझे क्या लग रहा है लेवल्स के हिसाब से, कि पहले तो यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है मुझे, अगर जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता होगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है मैंने जो कि अप ट्रेंड बता रही है, दूसरी बार पुल बैक लिया और ये तीसरी बार अभी वही ट्रेंड लाइन के पास आया है। ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। कभी भी ट्रेंड जो होता है ना, वो ट्रेंड कैसे फॉलो करता है, मार्केट हायर हाई हायर लोज बनाते जाता है, इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड जो होता है वो लोअर लोज बनाते जाता है। तो अभी जो है ये मार्केट हायर हाइज में दिख रहा है। अभी भी मार्केट में कोई भी ऐसा लग रहा नहीं है कि बियर ट्रेंड कन्फर्म चालू हो गया। कन्फर्म कब होगा, जब ये मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब है ट्रेड करना चालू करेगा और न्यू लो लगाना चालू करेगा। ठीक है, तो अभी भी बोल नहीं सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से गिरेगा ही। तो अब कल देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि यहाँ से ये पुल बैक लेता है या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कल के इसमें कि कल मार्केट क्या करता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारा काम है टेक्निकल एनालिसिस करना। टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार अभी लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है बैंक निफ्टी में, कि यहाँ से एक लेके फिर तोड़े ये। अगर डायरेक्ट कल तोड़ देता, क्लोजिंग तो नीचे दिख रही है पर ये पैनिक सेलिंग वाली क्लोजिंग दिख रही है, तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक आना चाहिए कंटिन्यूसली, कल फॉल नहीं करना चाहिए। निफ्टी का भी देख लेते तो कैसा है, हमेशा जब चार्ट को फॉलो करेंगे तभी हम जो है इसमें एक तरफा कोई भी व्यू बनाने से कोई भी, यानी कोई भी बता नहीं सकता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। ये अगर कोई बोलता है कि मार्केट यहाँ से कल नीचे ही गिरेगा तो रीजंस बताता है तो ठीक है, बट वो भी गलत हो सकता है। तो हमेशा किसी पे भरोसा मत कीजिए, अपने एनालिसिस पे भरोसा कीजिए, अगर चार्ट बोले तो ही उस पर विश्वास कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसमें दिख रहा है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में मार्केट है, पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिख रही है। तो बहुत से बार क्या होता है कि जब एक आधा ट्रेंड चालू होता है तो ये सब फेक ब्रेकआउट या फेक डाउन आ जाता है। तो मुझे तो, मेरे तो ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से कि एक पुल बैक लेना चाहिए। तो लेना चाहिए तो थोड़ा 100-200 पॉइंट या 18-200, ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा कि जो पार कर सकता है ये वीक में या नहीं कर सकता है। अगर 18-200 अगर पार करता है या 18-200 तक जाता है, ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा कि यहाँ से ऊपर निकलता है या नहीं। ऊपर निकला तो फिर से पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 200 क्रॉस नहीं करता है तो फिर ये न्यू लो लगाने के लिए तैयार है अगले वीक में। बट कल मंडे के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा पुल बैक आना चाहिए, 100-200 पॉइंट का तो भी आना ही चाहिए। फिर बाद में कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि ये सस्टेन कर पाता है वो नई लेवल पे। तो कभी भी एनालिसिस पे भरोसा रखिए, जो मार्केट में दिखता है उस पे भरोसा रखिए। वहाँ पर सपोर्ट अच्छा खासा निकल के आया बैंक निफ्टी में और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे निफ्टी में से एक ट्रेंड लाइन बन रही है डेली पे। ठीक है, तो देखेंगे अब मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है। बट कोई खबरों पे विश्वास मत रखिए, जो मार्केट रिएक्शन देगा
अभी ये कोविड की वजह से लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज बुक कर लिए होंगे, जो कुछ स्टॉक्स में बाई होंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिड कैप सबसे ज़्यादा गिरा है फ्राइडे के दिन, 1000 पॉइंट का फॉल मिड कैप सेक्टर में आया है। तो ये मिड कैप जितने भी स्टॉक है सबसे ज़्यादा गिरे उस दिन, इसीलिए निफ्टी इतना गिरा है 300 पॉइंट। तो देखेंगे अब कि ये पुल बैक थमता है, ये पैनिक जो सीनेरियो बना है कोविड के कारण, ये रुकता है या नहीं रुकता है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पे नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।